नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 22 मई 2021, और यहां पे जून 2021 यानी अपकमिंग मंथ, जो मंथ आने वाला है, उस मंथ के लिए स्विंग ट्रेडिंग कॉल, शॉर्ट टर्म कॉल आपके सामने लेकर हाजिर हूं। स्विंग ट्रेडिंग कॉल, शॉर्ट टर्म कॉल आपको पता है मैं डेली लगभग रिकमेंड करता हूं, कुछ तो टेलीग्राम चैनल पे डालता हूं, अपने मोबाइल एप्लीकेशन आरके ट्रेडिंग पे डालता हूं, जहां से आप देखते हैं, और मैं बीच बीच में वीडियो भी लेकर आता हूं। तो जब ज़्यादा स्टॉक्स हो जाते हैं तो मैं वीडियो बना लेता हूं, एक आध दो स्टॉक रोज देता हूं, तो वो टेलीग्राम और अपने मोबाइल ऐप पर डाल देता हूं। तो फिलहाल आज 10 स्टॉक्स लेकर आया हूं, इसलिए वीडियो बना के मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। तो चलिए देखते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग कॉल कौन सा है जो कि जून मंथ के लिए वैलिड होगा। अगर मई मंथ में पोजीशन बनाते हैं और मई मंथ में टारगेट आता है तो आप मई मंथ में भी बुक कर सकते हैं, अदरवाइज वो जून मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर लेवल नहीं आता है तो फिर जून मंथ के लिए वैलिड हो जाएगा। तो सारी चीज़ों को समझेंगे एक एक करके, और क्यों लेना है, किस लेवल पर लेना है। देखिए, हमारे इंडेक्स में अच्छा मूवमेंट आया, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसको ध्यान में रखते हुए उससे कुछ रिलेटेड स्टॉक सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जैसे कि एक्सिस बैंक। मैं अक्सर अपने बैंक निफ्टी एनालिसिस में बताता रहता हूँ इस बात में कि एक्सिस बैंक जो है 725-730 के ऊपर सस्टेन करने के बाद एक अच्छे मूवमेंट आपको दिखाएगा। ये चीज़ें मैं अक्सर अपने बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स में बताता रहता हूँ, और वहाँ पे पूरे चार्ट के साथ बताता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, ठीक उसी लेवल को एक्सिस बैंक ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद वो सस्टेन भी कर रहा है, तो ये तो बेहतरीन है टेक्निकल चार्ट पे एक्सिस बैंक, चूंकि बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट आया था, एक्सिस बैंक में भी उसके साथ पार्टिसिपेट करके अपसाइड में जा रहा है, और काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन जोन से ऊपर की साइड में ब्रेकआउट कर रहा है, यानी एक रेंज फंसा के रखा था इसने 730 के आसपास में, उस रेंज को इसने ब्रेक किया, उस रेंज को ब्रेक करने के बाद वहीं पर सस्टेन कर रहा है। तो क्या हमें इसी लेवल पर लेना चाहिए? दो सवाल है, क्या इसी लेवल पर लेना चाहिए या हमें वेट करना चाहिए, क्या ये फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं है? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे, लेकिन हम चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, काफ़ी कैंडल जो है बुलिश है, और साथ ही स्ट्रेंथ भी इसके इंडेक्स में है, तो इसको ध्यान में रख के ही बैंक निफ्टी में एक्सिस बैंक को सेलेक्ट किया है जून मंथ के लिए। तो इसके लिए जून मंथ में हम लोग खरीदेंगे एक्सिस बैंक को, जब ये एक्सिस बैंक 735 रुपये के ऊपर निकलेगा तब, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे डिलीवरी लेके घर जाना है, 735 के ऊपर खरीदेंगे, और स्टॉप लॉस जो लगाएंगे यानी एसएल जो हमारा होगा वो 715 रुपये का होगा, 715 का होगा, 715 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेंगे एक्सिस बैंक के, वो 755-755 रुपये का पहला टारगेट होगा, सेकेंड टारगेट होगा 775-775 रुपये का, और जो थर्ड टारगेट होगा वो होगा 800 यानी 800 रुपये तक का, आप एक्सिस बैंक में जून मंथ में टारगेट आते हुए देख सकते हैं। तो ये पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक, टोटल 10 स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है कि एक्सिस बैंक में आप समझ गए होंगे लेने का रीज़न। आप देख रहे हैं कि हर जगह से स्टॉक्स ने अपने आप को प्रूव किया है, बाउंस करके ऊपर गया, सस्टेन किया, नीचे से भी बाउंस करके ऊपर गया, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, तो इस लेवल पे आपको एंट्री करना चाहिए। आगे बढ़ूंगा सेकेंड स्टॉक की तरफ में दोस्तों, और सेकेंड स्टॉक का जो नाम है एक्सिस बैंक के बाद, वो मैं काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ और काफ़ी दिनों से आप लोग को बताते चला आ रहा हूँ, उसका नाम है, वो भी निफ्टी का स्टॉक है, गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। अब देखिए, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में क्या मामला हो गया, सबसे पहले तो इसका मैनेजमेंट चेंज हुआ, ये आपको पता है। मैनेजमेंट चेंज होने के बाद स्टॉक्स ने जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था वो एक ही दिन में ब्रेकआउट किया, और ऐसा ब्रेकआउट किया कि स्टॉक 720 से चला गया कहाँ, देखिए 890, यानी 170 पॉइंट की रैली एक दिन में कर दिया। अब यहाँ से अगर आप स्टॉक्स को देखेंगे ना, तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना कर रखा था। कौन सा पैटर्न था? हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जैसे कि मैं यहाँ पर से आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए, यहाँ से ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ऊपर की साइड में भाग रहा था, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें, लेफ्ट शोल्डर ऐसे करके यहाँ हेड बनाया, नीचे आया, ठीक है, यहाँ से देखिए राइट शोल्डर हो गया। अब इसी का ब्रेकआउट किया था ऊपर, तो इसका जब इसने ब्रेकआउट कर दिया था, ध्यान से देखिए, तो अब वो जब नीचे गिरा, ऊपर ब्रेकआउट करके अब वो चला गया,
टारगेट वर्गेट सब हो गया। तो ये हेड इसका क्या था, हेड इसका रेजिस्टेंस था, ये देखिए रेजिस्टेंस था। अब ये हेड जब रेजिस्टेंस था तो ऊपर आर, ऊपर से वो नीचे गिर रहा है, तो ऊपर से जब वो नीचे गिर रहा है तो इस कंडीशन में अब ये हेड जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था यहाँ पर, जिसको वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था ये 800 रुपये को, तो अब वो ऊपर से नीचे आने के क्रम में क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। तो आप देखिए बिल्कुल ये बार बार उसी लेवल पर होल्ड कर रहा है अपने आप को, इसी हेड माथे पे आके खड़ा हो गया, इस माथे पे आके खड़ा हो गया, देख रहे ना। जब इस माथे पे आके खड़ा हो गया तो इसका मतलब है ये हेड अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया। तो दो चांस बनेंगे आपके पास, क्या बनेगा, दो चांस, क्या हो सकता है इस हेड को फोड़ दे नीचे और ये और नीचे गिर जाए, तो गिर जाए तो गिर जाए, हमें क्या लेना देना, हमें पोजीशन ही नहीं बनाना है उस कंडीशन में। जो शॉर्ट के खिलाड़ी हैं जो सेल करना चाहते हैं वो सेल कर सकते हैं इसके नीचे इस हेड को टूटने के बाद, लेकिन मेरा व्यू सेल का इसमें नहीं है, मैं इसमें बाइंग का व्यू ले रहा हूँ। और वो बाइंग का जो लेवल होगा इसी सपोर्ट प्राइस से इसको बाउंस करना चाहिए, और मुझे मूवमेंट भी लग रहा है कि बाउंस कर सकता है। तो हम 830 रुपये के ऊपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हेड के ऊपर खरीदेंगे, 830 रुपये के ऊपर। कितना के ऊपर खरीदेंगे, 830 के ऊपर खरीदेंगे गोदरेज सीपी को। एसएल कितना का लगाएंगे, स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस हम लोग 30 पॉइंट का लगाएंगे, 800 का, 800 रुपये का हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। और टारगेट कितने का लगाएंगे, तो टारगेट हम लोग लगाएंगे तीन टारगेट, 860 रुपये का फर्स्ट, दूसरा टारगेट 890 रुपये का, 890 का, और तीसरा टारगेट होगा 920 रुपये तक का टारगेट बन सकता है। तो ये पहला, दूसरा स्टॉक है गोदरेज सीपी, पहला एक्सिस बैंक दिया और दूसरा गोदरेज सीपी दिया। लेने का रीज़न मैंने आपको समझा दिया क्यों लेना है गोदरेज सीपी को, तो बिल्कुल रीज़न के साथ लीजिए तो मज़ा आएगा। तो ये सेकेंड स्टॉक है। तीसरा स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ आपके सामने में, चलिए तीसरा स्टॉक्स का नाम आपके सामने लेकर आता हूँ, वो भी निफ्टी का ही स्टॉक है, वो है एससीएल टेक आईटी सेक्टर से। अब देखिए एससीएल टेक, ये सारे फ्यूचर वाले स्टॉक हो गए, तो जो लोग फ्यूचर में होल्ड करना चाहे फ्यूचर में लेके जा सकते हैं, है ना, लेकिन कैश के लेवल अगर वो ब्रेकआउट होगा तब। तो अब देखिए एससीएल टेक को क्यों सिलेक्ट किया, मैं बार बार आप लोगों को अपने निफ्टी आईटी मेटल फार्मा स्टॉक एनालिसिस में मैं बार बार बोलता रहता हूँ, 920 एससीएल टेक 920 को ब्रेक करेगा तो मूवमेंट आएगा, 920 को ब्रेक करेगा तो मूवमेंट आएगा। तो भाई तो मूवमेंट तो आ गया, 920 को उसने सस्टेन भी कर लिया। अब देखिए यहाँ से तो रेजिस्टेंस था हमारा 900 का, ठीक है 910 का, नीचे से यही ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था। तो आप यहाँ से देखें स्टॉक इस ट्रेंड लाइन पर जब भी जाता है एक अच्छा मूव करता है ऊपर की साइड में, जब भी जाता है अच्छा मूव करता है ऊपर, जब भी यहाँ सपोर्ट आता है ऊपर चलाता है। तो यहाँ आया ना तो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो जाएगा, हिस्ट्री रिपीट करता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं पहला चीज़ें तो हो गया कि चलो हिस्ट्री रिपीट कर रहा है हमारा, ऊपर जाने का चांस बन रहा है, ठीक है ये चला गया। अब ये चला गया तो यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, ये एक्युमुलेशन एरिया है, ठीक है अपने आप को एक्युमुलेट कर रहा है, और ये साइडवेज जोन भी है इसका एससीएल टेक का। अब इसके पास में आके खड़ा हो गया, इसके पास में आके खड़ा हो गया एससीएल टेक, तो जब इसको ब्रेकआउट करेगा देन हम पोजीशन लेके डिलीवरी लेके जाएंगे एससीएल टेक को। तो एससीएल टेक को जो खरीदना है हम लोगों को 940 रुपये के ऊपर खरीदेंगे, 940 के ऊपर खरीदेंगे। और स्टॉप लॉस कितने का लगाएंगे, तो भाई 20 पॉइंट का लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, 920 का ही स्टॉप लॉस, क्योंकि यही ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अब जब इसको ब्रेक किया है तो मूवमेंट करेगा, तो 920 का स्टॉप लॉस। और टारगेट कितना होगा, 960 देन 980 और देन 1000 तक के टारगेट आपको जूर मंथ में आते हुए दिखाई दे सकता है एससीएल टेक का। तो ये तीसरा स्टॉक है, टोटल 10 स्टॉक है, इसलिए नज़र बना करके छोटे प्राइस के भी स्टॉक दूंगा। अब एससीएल टेक के बाद बढ़ूंगा और आगे। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं डाउनलोड किया आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप तो ज़रूर डाउनलोड करें, वहाँ पे भी कॉल मिलते रहते हैं, इंट्राडे में भी कॉल मिलते हैं और स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल कॉल भी मिलते हैं। ये देखिए ग्लोबस स्प्रिट है, ठीक है ग्लोबस स्प्रिट का ये चार्ट है आपके सामने में। ग्लोबस स्प्रिट का चार्ट जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि हमें ये बार बार एक रेजिस्टेंस जोन के पास में आता है, एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता है, वहाँ से इसकी पिटाई हो जाती है, पिटाई होता है तो वो गिर जाता है। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने तीन तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए, ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में,
तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। लेकिन फिर नीचे जब वो गिरता है तो एक सपोर्ट बना लेता है, उस सपोर्ट से ये बाउंस कर जाता है, ठीक है। यानी टोटल मिला के ट्रायंगल पैटर्न में ग्लोबस फंसा हुआ है। तो इस जब ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, हो सकता है कल हो, मंडे को, ट्यूजडे को, कभी हो, ये तो जून मंथ के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। जब भी ब्रेकआउट आएगा ग्लोबस स्प्रिट, स्टॉक का नाम क्या है, ग्लोबस स्प्रिट, ग्लोबस स्प्रिट को हम लोग 335 रुपये के ऊपर खरीदेंगे, बाय अब 335, और स्टॉप लॉस कितने कर लेंगे 320, 320 रुपये का। टारगेट कितने का लेंगे, 350 का पहला, 350 का सेकंड, टारगेट कितना 365 का, और देन थर्ड टारगेट कितना 380 रुपीस का लेंगे, 380 रुपये का। तो ये है ग्लोबस स्प्रेड। देखिए याद रखिए, जब भी पोजीशन बनता है इंट्राडे में बनता है लेवल आने के बाद, लेवल आने से पहले पोजीशन नहीं बनाएंगे, लेवल आएगा तभी इंट्राडे में पोजीशन बनाते हैं, और डिलीवरी तब लेके जाते हैं जब उस लेवल के ऊपर वो सस्टेन कर रहा होता है 3:15 बजे तक में। और अगर पहला ही टारगेट एक ही दिन में आ जाता है तो उसी दिन बुक हो जाता है 50-70%, सारे टारगेट आते हैं तो सब बुक हो जाएगा, फिर क्यों वेट करेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यह है तीसरा स्टॉक ग्लोबस स्प्रिट। बढ़ूंगा चौथा स्टॉक की तरफ में दोस्तों, और चौथा स्टॉक का जो नाम है वो है होटल कंपनी इंड होटल, ठीक है, इंड होटल शॉर्ट में समझिए, यानी कि इंडिया होटल, ठीक है, इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स आपको पता है वही लॉकडाउन वाला मामला, कि लॉकडाउन अगर खुलता है तो होटल सेक्टर में, जैसे इजी ट्रिप में आपने देखा, मैंने इजी ट्रिप का कॉल दिया था, टारगेट आ गया फटफट आके, तुरंत आ गए सारे टारगेट, है ना। तो वैसे ही इजी ट्रिप मैंने जब कॉल दिए थे उस कॉल से भी काफ़ी ऊपर चला गया, वो टारगेट से भी काफ़ी ऊपर है। तो वैसे ही जैसे इजी ट्रिप में मूवमेंट आए, ये होटल सेक्टर में भी मूवमेंट आना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि लॉकडाउन हमेशा रहने वाला है नहीं। देखिए कैसे ज़बरदस्त ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट किया। तो इस कंडीशन से हम लोग इंडियन होटल्स को बाय करेंगे, और किस लेवल पे बाय करेंगे, 132 रुपये से लेके 125 रुपये। अब देखिए उल्टा हो गया, कहेंगे 132 पहले 125 बाद में, तो इसको उल्टा लिख देते हैं, इसमें क्या टेंशन है, सीधा कर देते हैं, है ना, ये समझने की बात है। 125 से लेके 132 का लेवल है, जब आपको मिलेगा तब आप बाय कर सकते हैं। अब ये 125 क्या हो गया, यानी यहाँ अगर ट्रेन लाइन के पास वापस ये गिर जाता है, मान लेता हूँ ये ऊपर नहीं जाके इस ट्रेन लाइन के पास नीचे आ गया, चांस बन सकता है ना, अगर इस ट्रेन लाइन के पास अगर आता है तो यहाँ पे और एड कर सकते हैं, यहाँ पर से 125 से 132 के आसपास में, ठीक है, इसीलिए मैंने ये लेवल लिखे। और स्टॉप लॉस क्या होगा इस कंडीशन में, 120 रुपये का होगा, देखिए कितना छोटा स्टॉप लॉस है। और टारगेट कितना हो गया इंडियन होटल में, तो टारगेट होगा 140 पहला, 140 देन 150 एंड देन 160 तक का टारगेट आपको मिल सकता है, 160 रुपये तक का। तो नज़र बना करके इंडियन होटल्स पे। अब ये कितने नंबर का स्टॉक हुआ, ये 5 नंबर का स्टॉक हुआ। अब बढ़ूंगा छठा स्टॉक की तरफ में, और छठा स्टॉक का नाम है इन्फोसिस। देखिए इन्फोसिस के मैं निफ्टी आईटी वाला स्टॉक्स आयासी साहब, जो लोग देखते हैं उनको पता है क्यों लिया है, क्यों सेलेक्ट किया है इन्फोसिस को। आप देखिए मैंने बार बार कहा कि भैया इन्फोसिस एक रेंज में फंस गया, एक छोटा रेंज में फंसा हुआ है, उस रेंज का ब्रेकआउट आएगा तो आपको मूवमेंट बनेगा, और इन्फोसिस बिल्कुल उस मूवमेंट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जून मंथ में इन्फोसिस एक ब्रेकआउट करेगा, जैसा कि यहाँ पे एक छोटा सा ये राउंडिंग बॉटम बना रहा है और इसका ब्रेकआउट आएगा तो इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आता हुआ आपको इन्फोसिस में दिख सकता है। तो अगर ये चीज़ें हो जाती है तो आप देखेंगे इस ट्रेंड पूरे प्राइस चैनल का भी ब्रेकआउट आएगा, तो फिर एक और भी अच्छा मूवमेंट इन्फोसिस में बनेगा। तो बाय करेंगे दोस्तों इन्फोसिस को 1360 रुपये के ऊपर, बाय 1360, और स्टॉप लॉस जो होगा 1350 का होगा, एक 13 कितने का होगा इसमें, 50 का, 50 10 पॉइंट का भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और आप चाहें तो 20 पॉइंट का भी थोड़ा सेफली लेके चल सकते हैं, 40 ही रखिए ज़्यादा बेहतर होगा, 13540 का ही आप लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1350 का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 1340 का भी लगा सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा। इस कंडीशन में जो टारगेट होगा हमारा 1380 होगा, 1380 का, और दूसरा जो टारगेट होगा वो 1400 रुपये का होगा, 1400 का। तो ये है आपके लिए छठा स्टॉक इन्फोसिस, बेहतरीन आईटी स्टॉक्स है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, और मूवमेंट आएगा तो फिर आपको टारगेट भी आ जाएगा। आगे बढ़ूंगा, अब है कजारिया सेरामिक। भाई कजारिया का कॉल मैंने पहले भी दिया था, ठीक है, मैंने फिर से सेलेक्ट किया, चूँकि वो मूवमेंट दिख रहा है कजारिया में,
इस वजह से मैं दोबारा आपके सामने इस कॉल को लेकर हाजिर हूँ कजारिया में। सारे देखे सारे ये जो स्टॉक है जो कजारिया से अपना सारा रेजिस्टेंस ब्रेक कर गया, ठीक है, उसके ऊपर सस्टेन कर गया। जो रेजिस्टेंस था यहाँ से देख रहे ना, ये बार बार ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा था, वो ब्रेकआउट ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो ब्रेकआउट करके सस्टेन भी करेगा, कर चुका है। अगर इसके ऊपर फिर से एक बार हायर लगा दे तो मज़ा आ जाएगा। तो कजारिया में नीचे आप वॉल्यूम भी देखिए कितना खतरनाक है, तो हम लोग बाय करेंगे कजारिया को, कब, जब कजारिया सिरामिक जब ये 925 के ऊपर निकलेगा तब, बाय अबव 935 935 रुपए के ऊपर बाय करेंगे, ठीक है, 935 के ऊपर बाय करेंगे। और स्टॉप लॉस जो लगाएंगे इस कंडीशन में वो लगाएंगे 915 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। और कंडीशन में टारगेट जो आएंगे वो आएंगे 955 पहला टारगेट 955 का, सेकेंड टारगेट होगा 975 975 का, और थर्ड टारगेट होगा 1000 यानी 1000 रुपीज़ का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर भी जा सकता है लेकिन ये शॉर्ट टर्म कॉल है, इसलिए जून मंथ तक के लिए आप अगर टारगेट आता है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए भी चल सकते हैं। तो ये है सातवां स्टॉक कजारिया सेरामिक। सातवां के बाद अब बढ़ूंगा आठवां स्टॉक की तरफ में। तो आठवां स्टॉक का नाम क्या है, और उसका नाम है एवरेडी। क्या नाम है, एवरेडी, बैटरी बनाती है ना, एवरेडी टॉर्च बनाती है वही। देखिए स्टॉक्स में खतरनाक वॉल्यूम, सबसे पहले तो आप नीचे देखिए इतना वॉल्यूम तो इसको मार्च मंथ से कभी नहीं आता, अचानक से आ गया। और जब अचानक से इतना वॉल्यूम आया है तो ये ऊपर के जोन का जो रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है एवरेडी। तो एक अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है एवरेडी, इसके वजह से हम लोग एवरेडी को बाय करेंगे 315 रुपये के ऊपर, बाय बब 315 जब ब्रेकआउट आएगा तब। और स्टॉप लॉस कितने का लगेगा, पहले नहीं ले लेना, जो प्राइस आएगा ना तभी लीजिएगा, उसके पहले मत ले लीजिएगा, है ना। स्टॉप लॉस लगाएंगे 305 रुपए का, और टारगेट इस कंडीशन में कितना आएगा, टारगेट आएगा 325 325 का फर्स्ट टारगेट, देन सेकेंड टारगेट होगा या फाइनल टारगेट भी कह सकते 335 रुपए का बन सकता है, खरीदना है 315 रुपए के ऊपर, स्टॉप लॉस 305 रुपए का, टारगेट 325 से 335 का होगा। तो ये है आठवां स्टॉक आपके लिए एवरेडी। अच्छा ये तो आठवां स्टॉक है, नवा स्टॉक कौन सा हो गया भाई, टॉर्च तो बेच दिया, अब नवा हम टाइल्स बेचेंगे, एशियन टाइल्स, एशियन ग्रेनिटो के नाम से आता है जिसका शॉर्ट नेम है एशियन टाइल्स। देखिए एशियन टाइल्स कितना नीचे आया था, और नीचे आने के बाद इसने 140 का इसने सपोर्ट बना रहा, वहीं से ये बाउंस कर गया। अब ये धीरे धीरे अपने सारे जोन को ब्रेक करते हुए एशियन टाइल्स जा रहा है, और ये जोन अगर ब्रेक हो जाता है, क्योंकि इस जोन के पास इसको वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है, इसीलिए यहीं पर से मेरा नज़र पड़ा है इस पर। अब यहाँ पे देखिए हमें इसको ख़रीदना है, कब किस लेवल पे ख़रीदना है, जब ये 193 रुपये के ऊपर निकलेगा तब, बाय अबव 193 193 रुपये के ऊपर निकलेगा तब भी हम एशियन टाइल्स को ख़रीदेंगे। और स्टॉप लॉस कितने का लगाएंगे हम लोग, स्टॉप लॉस लगाएंगे दोस्तों इस कंडीशन में 186 रुपये का, 186 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और टारगेट कितना होगा, टारगेट तीन टारगेट हो गए, 200 दिस इज फर्स्ट टारगेट, 210 दिस इज सेकेंड टारगेट, और 220 यानी 220 दिस इज थर्ड टारगेट। ये होगा एशियन ग्रेनिटो का तीसरा टारगेट एशियन टाइल्स का। तो ये हो गया नवा स्टॉक। देखिए मैंने कितने स्टॉक्स आपको दिए, अपना पसंद का स्टॉक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले से ज़रूर डाउनलोड करिए। एशियन ग्रेनिटो का जो अंतिम स्टॉक दसवां स्टॉक है, बहुत छोटा स्टॉक है, उसका नाम है एक्सचेंजिंग। क्या नाम है उसका, एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन, एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन, छोटा सा स्टॉक है एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन। आप यहाँ पे नाम भी देख पा रहे हैं, बैकग्राउंड में भी नाम देख पा रहे हैं एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन, और यहाँ पर भी नाम देख पा रहे हैं। तो एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन पर नज़र रखिए, एक बेहतरीन ब्रेकआउट आने की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन 200 DMA के ऊपर भी सस्टेन किया है रिसेंटली, तो इसके वजह से इस पर मूवमेंट भी आ सकता है। और टेक्निकली चार्ट पे यहां से ब्रेकआउट करने का एक रेजिस्टेंस जोन है जिसको ब्रेकआउट कर रहा है, ऊपर से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। तो ये सारे टेक्निकल चीज़ों पर एक्सचेंजिंग मुझे अच्छा लग रहा है, अब इसलिए खरीदेंगे हम लोग 77 के ऊपर एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन को। और स्टॉप लॉस कितने का लगाएंगे, स्टॉप लॉस 72 रुपीज़ का लगाएंगे, 72 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 72 का। अब मैं फिर से लिख देता हूँ बढ़िया से, 72 का हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे और ख़रीदेंगे 77 के ऊपर। टारगेट जो आएंगे वो 82 का पहला होगा, दूसरा टारगेट 90 का होगा, और तीसरा टारगेट 95 का होगा एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन में। तो ये टोटल 10 स्टॉक है दोस्तों, आपको कौन सा पसंद आया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया आरके ट्रेडिंग को तो ज़रूर डाउनलोड करिए। तो मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।